रोड से एक लगी हट के उ अपना दरवाजे पर मड़ई के घर बातर ओमन खाट पर ट्रक पश्चिम से उत्तर प्रदेश से गाड़ी अवै पूरा रफ्तार तेज गति में अभी पता नहीं है कि काना अथी में होकर ट्रक ड्राइवर उनका के कुचल दे हुए जख्मी हालत में नंगीनाराम बाड़न बिल्कुल गरीब बड़ा मान उनका केहू मन उनका के देख रेख करे वाला नहीं है बहुत गरीब लाचार व्यक्ति बड़े उनका के थाना प्रशासन एम्बुलेंस बुला के अपना सरकारी गाड़ी से सदर अस्पताल सीवान के इलाज के लिए भेजू है डी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नो से सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डी ए वी पी जी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान एम्स नई दिल्ली व सफदर जंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौड़ी के सामने हॉस्पिटल रोड सिवान मोबाइल नंबर नाइन और सेवन नमस्कार प्रणाम हम है रवि आ रऊुआ देखनी मैच बॉक्स नौ सिवान जिला के नौतन थाना क्षेत्र है नौतन थाना के सामने हम खड़ा बनी आ देखी कैमरामैन से चाहे दिखावे कि एगो है ट्रक बा ट्रक के कहानी बा की रात करीब साढ़े ग्यारह से पौने बारह के बीच में या नौतन थाना क्षेत्र में एगो शाहपुर गांव बाटे आ बिल्कुल रोड के किनारे बा वो शाहपुर गांव में एगो परिवार के एगो पचास वर्षीय एक जना व्यक्ति बड़े उ अपना घर के दरवाजा पर लगभग सड़क से एक लगी दूरी पर अपना खटिया पर सुत रह आई ट्रक अब ट्रक ड्राइवर के घोर लापरवाही अब ट्रक ड्राइवर नशा के रूप में रहुए कि का लेने ले रहु कि सड़क से एक लगी दूरी पर सूतल इंसान के बिल्कुल बुरी तरह से कुचल के अब थी भागे के प्रयास करते हुए। लेकिन ग्रामीण लोग के पकड़ ले हुए अब नौतन थाना जो प्रशासन भी आई ट्रक के लेके नौतन थाना के जौन परिसर थाना क्षेत्र के वही में लेके आए भी हमारे साथे वो गांव के वो बगल के कुछ सज्जन लोग मौजूद बा घटना के चश्मदीद गवाह बा तो लोग से जानल जाए कि आखिर घटना के ग हुआ घटना हमारा नाम सुदामा राम बार शाहपुर मिश्री बा जस्ट सटल लगे के घर बा हम सुत रह रात के साढ़े ग्यारह पौने बारह बजे के करीब समय होते रह बाइक आवाज हुव तो आवाज़ हो तो एक उठ गमी जा भाई ऐसा आवाज़ कह आत्मा अचानक तो गमी जा तो देखी जा कि एगो ट्रक वाला ट्रक गाड़ी समेत नगीना राम के उ एकदम कुचल बा आ गाड़ी लेके भागे के कोशिश क गाँव के गांव के आदमी के मोटरसाइकिल से गाड़ी के चहटा क आगे से ट्रक के घेर ले जा, बाद से थाना के सूचना देवि जा नौतन थाना के प्रशासन ह हुए बाद से ट्रक के भी पकड़े ड्राइवर के हमनी के जो जख्मी हालत में नगीना राम बड़ा बिल्कुल गरीब बाड़े उनकरा केहू मन उन, उनकरा के देख रेख करे वाला नहीं है बहुत गरीब بلا चार व्यक्ति बड़े उंगरा के थाना प्रशासन एंबुलेंस बोला के अपना सरकारी गाड़ी से सदर अस्पताल सिवान के इलाज के लिए भेजू है और अभी तक ले के ऐसा माने उनको स्थिति के स्थिति पूरा मानू गंभीर बाऊ हमने के उम्मीद लागत है वंच ना पैहन ऐसा हालात में नगीना नगीनाराम बाड़न आकर के आवेदन थाना में दिया गया बााना प्रभारी भी अभी तक ले कोनो सुनवाई अभी तक ले ना भइल ट्रक मालिक अभी तक ले ना आइले एल के सरकार से और थाना प्रभारी से हनिक अपील कर जा जो गरीब के इलाज करा के जान से बचावे के कोशिश कर जा ताकि उनका परिवार के केहुआ गुजारा हो सके हमने के हमिक गांव के लोग चाहते नहीं लड़का दू जाना बालो ठीक ये बा, दुनिया में नहीं खी बस ये बात तो बा मैं उ परिवार के कमाए के मुखिया उहे स्रोत उड़े सिविल के काम में जा के कमा ले मजदूरी लिया के अपना बच्चन के परवरिश करे दुगो ले महाराज द्वार पर सुत अपन ओतना दूर ट्रक जा के होना रोड से एक लगी हट के अपना दरवाजे पर मड़ई के घर बा उ सुत रह खाट पर ट्रक पश्चिम से उत्तर प्रदेश से गाड़ी हुआ पूरा रफ्तार तेज गति में अभी पता नहीं है जुना अथी में होकर ट्रक ड्राइवर उनका के कुचल दे हुए

ठीक बा अभी तक ले ट्रक मालिक है ना को प्रशासन द्वारा हर नाम सुदामा राम बा ग्राम शाहपुर शाहपुरसरौली के हम निवासी बानी रहो एक घटना के बारे में जनु हाँ हमी को जन सुनिज तो से पीछा कहीं जाके पकड़ के आ पुलिस प्रभारी के हमनी के के फोन जा तो हनजा तम्बुलेंस बोल से तो भेजान का नहीं सोच्छा का मांग कर मैने दौड़ दवाई मैंने बढ़िया से हो खो अच्छा हो जा ये ट्रक मालिक से हमी भाई तो देखिए गरीबी का चीज होला दर्शाओता एगो गरीब परिवार के एगो जौन व्यक्ति बड़े जौन की अपना परिवार के खुद कमाए वाला भरण पोषण करे वाला बड़े लेकिन उन तरह से दर्दनाक तरीका से कहीं कि वो जख्मी हो गई बड़े आ यहाँ के लोग से हमरा बात बैल लोग अगर बेहतर इलाज उनके बेहतर इलाज मुहैया ना करावल जाओ तो उस सम्भवतः ही दुनिया छोड़ सके चलिए अब देखे वाला बात ही बा कि नौतन थाना के जोन प्रशासन बा नौतन थाना पुलिस बा ये मामला के कितना गंभीरता से लेता आ कितना उचित कार्यवाही करता धन्यवाद रोड से एक्सीडेंट हुआ है जी क्या पूरा घटना है क्या मामला देखिए वो रात में अपने दरवाजा पर सोए थे नगीना राम जी और ट्रक उधर से आ रहा था उत्तर प्रदेश रामपुर के तरफ से आ रहा था जी और आने के बाद उनके द्वार पर चढ़ के या गाड़ी अगला चाका से उनको सोए हुए थे चापा मार दिए जो बहुत काफ़ी बुरे नतीजा से घायल है जो सिवान में भर्ती हैं अभी क्या प्रशासन से क्या मांग करेंगे देखिए प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं यही कि इस पर एफ करके उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए ताकि ऐसे पीड़ितों को जो और सरकार से भी मांग करते हैं कि उनको मुआवजा भी मिले जो भी प्रावधान है मुआवजा के वो अब मिलना चाहिए और देखिए उनके मालिक भी आए थे ट्रक मालिक उनसे भी कई बार बात हुआ थाना पर आप भी साथ में थे हम लोग का थाना पर बात हो रहा था तो वो देखिए किसी तरह से एक्सीडेंट किए हैं वो पार्टी को तैयार नहीं हुए कि उनके कंप्रोमाइज करने के लिए तो इसलिए मैं प्रशासन से यह मांग करता हूं गौतम थाना प्रभारी महोदय जी से कि इस पर उचित कानूनी कार्रवाई हो ताकि पीड़िता को न्याय मिले पीड़िता जो है उनके लड़के कितने है? दो लड़के हैं उनके और एक लड़के शायद अलग रहते हैं वो बाहर है एक नाबालिग लड़का है जो घर पर है और उनके पत्नी भी नहीं है तो देखिए वो बहुत दुखित है किसी भी तरीक़ा से वो बहुत कमज़ोर है वहाँ के लोग शाहपुर के चंदा लगाकर उनको इलाज कराने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे मैं चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी के सिवान जिला के सभी लोग उनमें एक चंदा के मदद या सहयोग के मदद से उनको इलाज कराया जाए कि ताकि ठीक हो जाए इसलिए कि वो गरीब परिवार से दलित समाज से बिलोंग करते हैं नगीना राम साहब तो उनको इलाज हम लोग का कराना जिम्मेवारी बनता है

करते हुए और इस पर न्याय दिलाने के काम करेंगे एफ करके यही आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं से मांग करते हैं जी बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मैं धुरेंद्र कुमार राम सिवान